नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च दिन बुधवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धूमधाम से प्रदेशवासियों ने मनाई होली। बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए बने इतने मतदान केंद्र। मनोज वाजपेयी की बहुप्रतीक्षित सीरीज साइलेंस 2 का जारी हुआ पोस्टर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रत्याशियों के नामांकन में इस दिन से तेजी आने की उम्मीद। भारत में अमीरों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान। आज होने वाले आईपीएल मुकाबले में इन दोनों ही टीम को रहेगी पहली जीत की तलाश। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेल कोच फैक्ट्री ने कपूरथला के 550 अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। 550 अप्रेंटिस पदों पर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां कई ट्रेड्स के लिए की जा रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार 9 अप्रैल वर्ष 2024 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को rcf.indianrailways.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा पास करना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवारों के पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। धूमधाम से प्रदेशवासियों ने मनाई होली। बिहार में कई जगहों पर इस बार 2 दिन की होली देखने को मिली है। किसी ने 25 मार्च को होली मनाई तो किसी ने 26 मार्च को होली मनाई है। प्रदेश में शांति और सौहार्द के साथ होली का ये पावन त्यौहार मनाया जा सके, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट दिखी। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी को भी अनिवार्य कर दिया गया था। नेता से लेकर आम लोगों ने भी बड़े ही धूमधाम से इस होली के त्यौहार को मनाया है। आपने होली किस दिन मनाई, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर के बारे में। मैथिली एक भारतीय गायिका है। इनका जन्म 25 जुलाई वर्ष 2000 में बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हुआ था। मैथिली ठाकुर मैथिली और भोजपुरी गानों के साथ साथ छठ के गीत और कजरी भी गाती हैं। इन्होंने कई बेहतरीन पारंपरिक लोकगीत गाए हैं। इन्हें इनके क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल में ही मैथिली को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वर्ष 2022 में बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए बने इतने मतदान केंद्र। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में ये चुनाव पूरे 7 चरणों में पूरे होंगे। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों पर भी भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। मतदान देने आए लोगों को अधिक समय तक वोट देने के लिए लाइन में ना लगना पड़े, इसके लिए अधिक से अधिक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तय किया गया है कि 987 मतदाता बिहार में एक बूथ पर मतदान करेंगे। राज्य में ऐसे 459 मतदान केंद्रों को निर्वाचन आयोग ने चिन्हित किया है जहां 1500 से भी अधिक मतदाता थे। वहीं प्रदेश में 12 ऐसे बूथ थे जहां मतदाताओं की संख्या 1600 से भी अधिक थी। 77,392 बूथ प्रदेश में बनाए गए हैं जिसमें से मॉडल बूथ की संख्या 2785 है। वहीं महिलाओं के जिम्मे में 243 बूथ सौंपे गए हैं। युवा 76 बूथों को मैनेज करेंगे और दिव्यांगजनों को 40 बूथों का मैनेजमेंट देखने को दिया गया है। बिहार के बेटे का आईपीएल के इस टीम में हुआ सिलेक्शन। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में सिवान के रहने वाले चंदन का चयन हुआ है। चंदन का चयन एक नेट बॉलर के रूप में हुआ है। चंदन सिवान के आंदर प्रखंड के अंतर्गत मदिसलापुर के रहने वाले हैं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इनका चयन होने के बाद इनके परिजनों के बीच भी काफी खुशी का माहौल है। इस चयन के बाद चंदन ने बताया कि उनकी सफलता की ये पहली सीरीज है। एसोसिएशन द्वारा उन्हें फोन कर ये जानकारी दी गई है कि उनका चयन कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में नेट बॉलर के रूप में हुआ है। फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए जाने कौन कौन से बैंक दे रहे हैं कितने ब्याज। निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। सभी बैंकों के अपने अलग अलग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम होते हैं और वे उसी हिसाब से ब्याज ऑफर करते हैं। इसलिए बैंकों में निवेश करने से पहले जरूरी है कि आप पहले ही इसकी जाँच कर लें कि कौन से बैंक कितने ब्याज दे रहे हैं।
सबसे अधिक ब्याज देने वाले बैंक में हम सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। ये बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर 3% से 7.25% तक की दर से ऑफर कर रहा है। आपको बता दें कि ये बैंक 18 महीने से 21 महीने की अवधि की फिक्स्ड डिपॉजिट में 7.25% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं ICICI बैंक में 15 महीने से 2 साल तक फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.20% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.25% की उच्चतम दर जमा अवधि 2 से 3 वर्ष के बीच होती है। आपका सबसे भरोसेमंद बैंक कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मनोज वाजपेयी की बहुप्रतीक्षित सीरीज साइलेंस 2 का जारी हुआ पोस्टर। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म G5 पर बिहार से संबंध रखने वाले मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी की बहुप्रतीक्षित सीरीज साइलेंस 2 रिलीज होने वाले हैं। सीरीज का फर्स्ट लुक पोस्टर हाल में ही सीरीज मेकर्स ने रिलीज किया है। इसमें मनोज वाजपेयी एक बार फिर से दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस सीरीज के पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीरीज में सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलने वाला है। इस पोस्टर में मनोज वाजपेयी का लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे डुंगेश्वरी गुफा के बारे में। ये बिहार के बोधगया से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसका जिक्र चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में किया था। स्थानीय लोग डुंगेश्वरी गुफा मंदिरों को सुजाता स्थान भी कहते हैं। लोग इस गुफा को महाकाल गुफाओं के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले महात्मा बुद्ध ने इसी स्थान पर 6 वर्ष तक तपस्या की थी। अगर आप गौतम बुद्ध से जुड़ी चीजों को देखने का शौक रखते हैं तो आप यहां आ सकते हैं। नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का हो रहा है आयोजन, आप भी ले सकते हैं भाग। नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप पहली बार बिहार में आयोजित होने वाला है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के बेगूसराय में होगा। इससे पहले अहमदाबाद में ये मुकाबला देखने को मिला था। इस प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन होने वाला है। जो भी इस प्रतियोगिता के लिए इच्छुक हैं वे खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनके पास खिलाड़ी किट और आधार कार्ड मौजूद हो। इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ी को वरिष्ठ हैंडबॉल कोच को रिपोर्ट करना होगा। फिर खिलाड़ियों का चयन शारीरिक दक्षता और खेल कौशल के आधार पर किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रत्याशियों के नामांकन में इस दिन से तेजी आने की उम्मीद। बिहार में लोकसभा के पहले चरण में प्रत्याशियों का अधिक नामांकन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन नामांकन दाखिल करने की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद होली की छुट्टी के बाद जताई जा रही है। उम्मीद है कि नामांकन को लेकर जोरों शोरों से 28 मार्च से देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि 20 मार्च से पहले चरण का नामांकन शुरू हुआ है। केवल 10 प्रत्याशियों के नाम ही पहले चरण में दाखिल हुए हैं। इसमें सबसे अधिक नामांकन औरंगाबाद सीट पर देखने को मिला है। यहां से अब तक कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा है। इसके अलावा जमुई संसदीय सीट पर अभी तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। राजगीर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर। दरअसल आज भी होली के कारण राजगीर में स्थित 8 सीटर और 1 सीटर रोपवे का परिचालन बंद रहने वाला है। तो यदि आप राजगीर आ रहे हैं तो आप रोपवे पर बैठने का आनंद नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि राजगीर में पहाड़ पर स्थित विश्व शांति स्तूप जाने के लिए पर्यटक रोपवे की मदद लेते हैं। इस पर बैठकर पहाड़ पर चढ़ने का मजा ही अलग होता है। हालांकि 28 मार्च से इसका नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इन वजहों से आपकी बाइक चलते चलते अचानक हो जाती है बंद। कई बार ऐसा होता है कि बाइक चलाते चलाते ही बंद हो जाती है। इसमें से कई लोग बाइक के जरिए अपने अपने काम पर जैसे ऑफिस कॉलेज या कहीं राइड पर जाते हैं। ऐसे में बीच में बाइक अचानक से बंद होने की समस्या सामने आती है, तो उससे हम सभी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि बाइक अचानक से बंद क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि गाड़ी के धुलाई के दौरान पानी फ्यूल टैंक में चला जाना। जब पानी फ्यूल टैंक में चला जाता है तो इस वजह से भी आपको ये परेशानी हो सकती है। दूसरा कारण बाइक की क्लच का खराब हो जाना या फिर टायर में हवा कम होना है। इसके अलावा कार्बोरेटर के खराब होने से या फिर इसके गंदा हो जाने से भी आपकी बाइक चलते चलते अचानक से रुक सकती है। इसके अलावा यदि बाइक का एयर फिल्टर खराब हो गया है या इसमें गंदगी भर गई है तब भी इसमें आपको आपके साथ ये समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बाइक के अचानक रुकने पर इन समस्याओं पर ध्यान दें और इन सभी को साफ जरूर करवा लें। प्रदेश के इन जिलों में आज बारिश की संभावना। बारिश का सिलसिला अब लगभग थम चुका है। प्रदेश में काले बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही थी जो अब थम चुकी है। बारिश के कारण प्रदेश में तापमान में भी गिरावट हुई थी। हालांकि प्रदेश में आज भी किशनगंज और अररिया जिले में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तो कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री और 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। भारत में अमीरों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि। भारत में बीते कुछ समय से अमीर लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 1300 से भी अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नेटवर्थ है। हुरून इंडिया रीच लिस्ट के मुताबिक भारत में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1319 हो चुकी है। बीते साल की बात करें तो साल 2023 में अमीरों की संख्या 216 बढ़ी है। देसी शराब बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ। पटना में देसी शराब बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराब माफिया आए दिन शराब तस्करी के नए पैतरे आजमाते रहते हैं। इस बार उन्होंने पॉलिथीन में शराब भर करके डिलीवरी करने की तैयारी की थी, लेकिन गुप्त सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन कई लोग यहां से फरार भी हो गए थे। मामले को लेकर एक्साइज सुपरिटेंडेंट संजय कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मौके से 22,000 लीटर देसी शराब को बरामद किया और 2000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया है। नवादा जिले से टिकट मिलते ही विवेक ठाकुर ने कही ये बात। बिहार में सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। भाजपा ने इस बार विवेक ठाकुर को नवादा सीट से टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद विवेक ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे देश में चुनाव का रंग छा गया है और उस पर होली का रंग जनता के सामने और भी अच्छे से आ चुका है। आगे उन्होंने कहा कि होली के साथ चुनाव होली भी होने वाली है। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है और जनता के बीच काम करने वाली सरकार का गठन होगा। तेजस्वी यादव ने बताया महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी बात। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक के आवास पर तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद अब माना जा रहा है कि अब कुछ ही घंटों में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा फाइनल हो सकता है। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन बहुत पुराना है, ये गठबंधन नहीं टूटेगा। बीजेपी को हारने के लिए हम लोग हमेशा से साथ हैं। चुनाव के क्रम में ये सब हो रहा है, हम लोग में अंडरस्टैंडिंग है, सीटों पर हमारे बीच सहमति बन गई है। कांग्रेस राजद लेफ्ट मिलकर लड़ेगी। सीटों का ऐलान जल्द पटना में होगा। शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं देने पर राजद के तंज के बाद बीजेपी का पलटवार। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुसलमानों को मौका नहीं दिया है। इसे देखते हुए राजद ने बीजेपी पर निशाना साधा था। साथ ही शहनवाज हुसैन का पक्ष लेते हुए कहा था कि चुनाव में शहनवाज हुसैन को भी प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था। राजद के प्रदेश प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी अगर पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं तो उन्हें शहनवाज हुसैन को टिकट देना चाहिए। अब शहनवाज हुसैन के पक्ष में राजद के इस वकालत को देखकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि शहनवाज हुसैन के लिए बड़ी जिम्मेदारी इंतजार कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजद के लिए पूरा परिवार का मतलब लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार हैं। सुरक्षा हटाने से नाराज पप्पू यादव ने कही ये बात। अभी हाल में पप्पू यादव अपनी पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में शामिल होते ही पप्पू यादव को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद भी उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस बल को हटा दिया गया। उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस बल को हटाते ही पप्पू यादव काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा से खिलवाड़ बीजेपी और जदयू को बहुत भारी पड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि पूर्णिया सीमांचल कोसी में मिल रहे मुझे आशीर्वाद से बीजेपी भयाक्रांत है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पूर्णिया और देश में पूर्ण परिवर्तन के लिए सब कुछ न्योछावर है। होली मिलन समारोह में पिता को याद कर भावुक हुए चिराग। अपने परिवार और पार्टी के सदस्यों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चमोली सांसद चिराग पासवान ने होली मनाई। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में होली मिलन का ये समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान अपने पिता को लेकर भावुक होते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम लोग काफी लंबे समय के बाद पटना में प्यारे परिवार के साथ होली का त्यौहार मना रहे थे। कुछ साल हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए कठिन समय रहा है। आज बहुत समय के बाद और पापा के जाने के बाद पहली बार पार्टी और परिवार में नई खुशियाँ आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं बस आशा करता हूँ कि होली न केवल मेरे परिवार में बल्कि इस देश के हर परिवार में खुशियों के ऐसे ही रंग लेकर आती रहे। आज होने वाले आईपीएल मुकाबले में इन दोनों ही टीम को रहेगी पहली जीत की तलाश। आईपीएल 2024 का 8वां मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में
सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को ईडन गार्डन में हराया था, वहीं गुजरात टाइटंस ने मुंबई को मात दी थी। ऐसे में दोनों ही टीमें अपनी जीत की तलाश में रहेंगी। वहीं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये फ्लैट होती है, जिस पर बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिल सकता है। वहीं इस पिच पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी को चुनना चाहेगी। आज के आईपीएल के मुकाबले में आपको किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1898 में भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खान का निधन हुआ था। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1915 में स्वतंत्रता सेनानी पुष्पलता दास का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1923 में भारतीय वैज्ञानिक लीला दुबे का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2006 में यासीन मलिक ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराए जाने की मांग की थी। आज के दिन वर्ष 1923 में धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ था। ये भारत के दिग्गज मसाला कंपनी MDH के मालिक थे। अब WhatsApp पर स्टेटस लगाते समय दोस्तों को कर सकेंगे टैग। WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधा के लिए कई फीचर लेकर आता है। अब इसी कड़ी में WhatsApp पर एक और नया फीचर ऐड हुआ है। इस नए फीचर के तहत आप स्टेटस लगाते समय अपने दोस्तों को भी टैग कर सकते हैं। अभी तक तो लोग केवल ऐसा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही कर पाते थे, लेकिन अब इंस्टाग्राम की तरह व्हाट्सएप पर भी लोगों को ये फीचर मिलने वाला है। ऐसे में अगर आप किसी के लिए स्टेटस लगा रहे हैं या किसी के साथ लगा रहे हैं और उन्हें आपको टैग करना हो, तो आप व्हाट्सएप पर स्टेटस पर भी आसानी से लोगों को टैग कर सकते हैं। जिसको आपने टैग किया है उसे इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे इंटरनेट ट्रैफिक को लेकर वायरल हो रहे इस ईमेल के बारे में। कुछ लोगों को एक मेल का आ रहा जिसमें कहा जा रहा है कि आपके विरुद्ध इंटरनेट ट्रैफिक को लेकर कोर्ट द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। इस ईमेल के जरिए लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट रिसर्च और एनालिसिस विंग के डिपार्टमेंट से है। यदि ईमेल मिलने के बाद आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये ईमेल पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए इस तरह के मैसेज पर यकीन करने से बचें, क्योंकि ये फिशिंग स्कैम भी हो सकता है। PIB ने भी इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान। भारत की इकोनॉमी को लेकर मशहूर अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत दिखाने का जो ग्रोथ डेटा है वो एक हाइप है, और इस पर भरोसा करके भारत एक बड़ी गलती कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पहले इन बुनियादी समस्याओं को दूर करना होगा, तभी भारत की असली आर्थिक ताकत का अंदाजा होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि नई सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज देश में शिक्षा और वर्क फोर्स की स्किल को बेहतर बनाने का होगा। इस समस्या को सही किए बिना भारत को अपनी युवा आबादी का फायदा उठाने में दिक्कत आएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन था? ऑप्शन ए है नक्शे पायदार, ऑप्शन बी है मैखानी इल्हाम, ऑप्शन सी है सिरात मुस्तकीन, ऑप्शन डी है नुरुल अनवार। इसका सही उत्तर है नुरुल अनवार। बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रियता किस सूफी संप्रदाय को मिली है? ऑप्शन ए है फिरदौसी, ऑप्शन बी है कादरी, ऑप्शन सी है चश्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है फिरदौसी। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी, इसका क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन ए है अटल, ऑप्शन बी है शिव शक्ति, ऑप्शन सी है सार्थक, ऑप्शन डी अब है। इसका सही उत्तर है शिव शक्ति। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही उत्तर है हरियाणा।
सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रंजीत मिश्रा, सोनू, अवधेश कुमार, कन्हैया कुमार, एम कुमार, दीपक सिंह राजपूत, कन्हैया कुमार, सचित कुमार, गुनर शर्मा, अबुलेस खान, बाबूलाल मरांडी, विनय राज, साबिर अली, ज्योति बासु, जयप्रकाश कुमार, चंदन कुमार, जितेंद्र प्रसाद, श्यामनंदन चौधरी, साधना देवी, शोभानंद ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार में आपका पसंदीदा जिला कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।